नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर करनाल में सुबह सुबह किस तरीके से यहां पर जाम लगा हुआ है। इस वक्त हम करनाल के कल्पना चावला के जो सामने वाली रोड है, जहां पर हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है, उस रोड पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा जाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत परेशान हो रहे हैं, डेढ़ घंटा हो गया भाई, देख लो जाम में ही फंस रहे हैं। आप देख सकते हो इतनी बड़ी मुश्किल हो रही है रास्ता आने जाने में, यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। अब जैसे कोई एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, तो पेशेंट को कैसे हम अंदर रखें। ये तो सुबह का ही लग रहा है, 8 बजे मॉर्निंग का, दिक्कत चल ही नहीं रही पब्लिक, सबको जल्दबाजी बहुत हो रही है। बस कुछ नहीं, समस्या का हो रहा है। आप देख सकते हैं अम्बेडकर चौक की तरफ बैरियर्स लगा दिए गए हैं, वहाँ से रास्ता तो डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, रिक्शा में सवारियाँ बैठी हुई हैं, उनको आगे जाना है, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल जाना है। जी हॉस्पिटल जाना है, लेकिन अब पैदल जाना पड़ेगा, क्या करें। पहले कोई अनूप नाम है, कहाँ से कहाँ, हिसार से आए हैं, करनाल आए हैं। किस लिए? हॉस्पिटल कल्पना चावला मेडिकल में काम है अपने। से आगे पैदल जाएंगे, पैदल जाना पड़ेगा, आगे पैदल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि रोड डाइवर्ट तो कर दी गई है, रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन जिस रास्ते इन लोगों को निकाला गया है, वहां से आगे कोई रास्ता जाने को ही नहीं है। और सुबह सुबह जिस तरीके से मैं बता रही थी कि बच्चों को स्कूल जाना है, लोगों को ऑफिस जाना है, लोग यहाँ पर लेट हो चुके हैं, बहुत सारे रिक्शा में आप देख सकते हैं सवारियाँ पिछले एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे से इंतज़ार कर रही हैं, लोगों को अस्पताल जाना है, लेकिन वहाँ पर भी जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अम्बेडकर चौक पर जो लाल बत्ती लगी है, उसको उससे बचने के लिए, ताकि वहाँ पर समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो, इस वजह से लोग दीवान कॉलोनी से निकलने का रास्ता लेते थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये दीवान कॉलोनी है, पूरी की पूरी जाम हो चुकी है। यहाँ पर आपको ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहे होंगे, बाइक वाले दिखाई दे रहे होंगे, गाड़ियाँ वाले दिखाई दे रहे होंगे, पूरी की पूरी कॉलोनी बंद है। इस तरफ से सारा बंद है मैम, गेट बंद है सर, आगे का गेट बंद नहीं है मैम, वहाँ पे जाम इतना लगा हुआ है कि आगे निकल नहीं सकते। सर आपने देखा है गेट बंद है वहाँ। अच्छा गेट बंद है, इसी वजह से आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं लोग। तो सोसाइटी वालों ने बंद करवा दिया होगा। क्या नाम है आपका? नितिन कौशिक। कहाँ जाना है आपको? मेरे को तो मैम रामनगर फ्लाईओवर पार करना था। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं जाम में? मैम मुझे यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा हो चुका है और बहुत सारे लोग पिछले डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्कूल के भी बच्चे हैं जो गाड़ियों में बैठे हुए हैं और किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल के लिए भी लेट हो रहा है, बच्चों को ऑफिस जाने वाले ऑफिस कर्मचारी जो भी हैं उनको लेट हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को लेट हो रहा है। लेकिन बड़ी बात ये, आप देखिए सवारियाँ किस तरीके से इंतज़ार कर रही हैं कि आखिर ये जाम कब खुलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अव्यवस्था देखिए प्रशासन की तरफ से, पहले कोई भी इंतज़ाम नहीं किए गए, पहले जनता को कोई सूचना नहीं दी गई कि सुबह आपको ये हालात देखने को मिलेंगे, तो अपनी अपनी रोड घर से ही निकलते हुए फाइनल कर आना कि आखिर आपको आज कहाँ जाना है और उस डेस्टिनेशन पर आप किस तरीके से पहुँचेंगे, क्योंकि आपको पूरे करनाल में जाम ही जाम देखने को मिलेगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। हालाँकि अम्बेडकर चौक पर क्यों आखिर बैरियर लगा दिए गए हैं, NDRI के पास भी बैरियर लगाए गए हैं, वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुबह सुबह करनाल बिल्कुल जाम हो चुका है, आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लोग घूम घूम कर वापस उसी जगह पर आ रहे हैं क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जाम का कारण और कुछ नहीं, जाम का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि शाम को यहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग धरना देकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम इसी तरीके से करनाल के BR अम्बेडकर चौक पर धरना देते रहेंगे, यहीं पर बैठ जाएंगे। नीचे आप अभी भी देख सकते हैं यहीं पर बैठे हुए हैं और पूरी की पूरी करनाल में इस वक्त जाम की स्थिति लगी हुई है। सुबह से मैं आपको बता दूँ कि पिछले एक डेढ़ घंटे से जो तमाम लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और परेशानी की वजह
सबसे बड़ी ये थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये क्लब, करनाल का जो क्लब है, यहाँ से एक गेट है दीवान कॉलोनी का, जो कॉलोनी का गेट है वो सुबह बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो करनाल का कल्पना चावला जो हॉस्पिटल है उसके सामने से जो दीवान कॉलोनी का गेट है वो खोला गया था, जिसकी वजह से लोग भ्रमित हुए, देखा देखी एक दूसरे की तरफ, वो आगे बढ़ते हुए गए, लेकिन जब इन्होंने यहाँ आकर देखा लोगों ने, तो उनको जाम झेलना पड़ा क्योंकि रास्ता निकलने का कोई बचा ही नहीं था। उसके बाद वो जैसे तैसे करके अगर विर्क हॉस्पिटल वाली सड़क पर भी पहुँचते थे तो वहाँ पर भी उनको काफ़ी लंबा जाम देखने को मिला, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं नीलोखेड़ी से, जो परिवार के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के तमाम लोग हैं, किस तरीके से कल से ही यहीं पर बैठे हुए हैं। और कहना यही है कि जब तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे। मामला नीलोखेड़ी का है, संडे का है, रविवार का है, किस तरीके से गाड़ी चढ़ाकर एक आरोपी पर पूरा आरोप ये लगाए गए हैं कि गाड़ी चढ़ाकर किस तरीके से परिवार के 6 लोगों को कुचल दिया जाता है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और बाकी जो अन्य 4 लोग हैं जिसमें और 2 महिलाएं शामिल हैं उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, उनके सर पर भी चोटें आई हैं, पैर में भी चोटें आई हैं, और किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहीं पर बैठे हुए हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। मैम, रात को आप लोग यहाँ पर आकर बैठे थे, शाम से कल बैठ गए थे, उसके बाद कोई समझौता नहीं हुआ प्रशासन की तरफ से, कोई यहाँ पर मौके पर नहीं पहुँचा? मैम, एक्चुअली ऐसा है कि प्रशासन ने सिर्फ वो चीज़ें देने के लिए हाँ भरा जो यूँ पड़ी हैं, उठा ले जाओ, जो ऑलरेडी हमारा अधिकार है वो आज नहीं तो 10 दिन के बाद हमें मिल जाएगी। मेन जो बात थी वो गिरफ्तारी की थी और पुलिस सुरक्षा की थी, वो सब अभी नहीं मिले हैं, तो उसी के लिए हम लोग बैठे हैं। और मेन जो बात है वो गिरफ्तारी की। तो रात को आप लोग घर चले जाते हैं या फिर यहीं बैठे? नहीं, यहीं पे ही थे, सब लोग यहीं पे थे, फीमेल चली गई थी, लेडीज चली गई थी, बाकी जब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ पर, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती। मैम, कल किसी से बात हुई आपके प्रशासन से? DCSP से मिले थे वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पर उन्होंने यही बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेन बात जो है वो रिजल्ट नहीं है। फिलहाल मैम, आपको नहीं लगता कि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा परेशान है? बच्चे हमने देखे स्कूल जाने के लिए बेचारे बैठे हुए थे डेढ़ डेढ़ घंटे से, जो ऑफिस के कर्मचारी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, ई रिक्शा पर सवारियाँ इंतज़ार कर रही हैं कि कैसे निकले। एक चौक घेर रखा है और वो चौक इतना चलने वाला चौक नहीं, आप उसे कह सकते कि पूरे शहर का बर्डन वो ना उठा सके। और सारा कल से पुलिस ने सब कुछ टॉलरेट किया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं। मैं भी शहर से निकल के आई हूँ, कहीं कोई जाम नहीं लगा। आश्वासन मिला आज? अभी तक कोई आश्वासन नहीं लगा मिला ना ही आज हम प्रशासन से मिले। इतनी देरी क्यों हो रही है गिरफ्तारी में? मैडम, इस बात में तो नहीं कह सकती, लेकिन पुलिस ने ढील बरती जिसके कारण ये सब हुआ। आप देख सकते हैं कि आरोप इस वक्त पुलिस पर भी है कि पुलिस काफ़ी ज़्यादा ढील बरतती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि कल शाम से ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अब तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती। एक बेटा है अमन और उसके पिता पर आरोप लगाए गए हैं कि किस तरीके से जो बेटा है अमन, उसने गाड़ी चढ़ाई जिसमें 6 लोग जख्मी हो जाते हैं, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि अन्य जो 4 लोग हैं वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ही फिलहाल दाखिल हैं और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो तमाम परिवार वाले हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, कल से उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।